दोस्तों कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। यदि दोस्तों आप विदेश गल्फ कंट्री में जाकर जॉब करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम जानकारियां दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से मेरा कोई भी व्यूवर्स यदि मुझसे कमेंट करके पूछता है, तो आज नहीं कल उसको रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ। कुछ मेरे पास कमेंट आया था, सर मुझे ये बताइए कि दुबई गल्फ कंट्री में मेडिकल क्या होता है और मेडिकल कैसे होता है और मेडिकल का खर्चा कितना होता है। तमाम ऐसे जानकारियां दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आप कभी भी दुबई में जाते हैं, यदि आपको कह दिया कि मेडिकल होगा तभी आप जॉब करेंगे, या तो ये कह दिया कि मेडिकल करेंगे तभी कंपनी में आप रह पाएंगे, तो दोस्तों इन सब बातों से आप डर मत जाइएगा, क्योंकि मेडिकल में क्या होता है इस वीडियो में आपको हम बता देंगे क्लियर। और आपके दुबई में यदि कोई भी हो तो उनसे जरूर आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी मैं बताऊंगा कि आपको लगभग खर्च कितना हो सकता है और लोग कितना आपसे पैसा मांग सकते हैं, इसके बारे में भी आपको थोड़ा हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज दूंगा। हालांकि बहुत ऐसे हमारे पास कमेंट आया था जिसमें हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे, आज हमने कमेंट खोला तो बहुत ज़्यादा इस बातों को रिप्लाई आया था, तो इसी टॉपिक पे हमने कुछ आपको बताने की कोशिश किया हूँ। पहला नंबर, जब आप मेडिकल कराते हैं तो मेडिकल में होता क्या है यह जान लीजिए। दुबई में हम चले गए किसी भी कंपनी में, चाहे कंस्ट्रक्शन के लाइन क्यों ना हो, प्लम्बर की लाइन क्यों ना हो, टाइल्स का लाइन क्यों ना हो, कोई भी काम में यदि हम दुबई कंट्री में चले गए और वहाँ की कंपनी अगर हमसे मेडिकल कराता है, वह मेडिकल में ये बोलता है कि आप मेडिकल सही रहेगी तभी हमारे कंपनी में रहेंगे, वरना आप अपने कंट्री में चले जाएंगे। तो हालांकि हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो मेडिकल के नाम से थोड़ा डर जाते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि उन पर ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। मेडिकल में क्या होता है पहला ये जान लीजिए। आपका जो ब्लड होता है जिसे खून कहते हैं, वो आपके शरीर में से थोड़ा सा निकालेंगे, जो सुई के माध्यम से थोड़ा सा आपके नस से सुई से नस से खून निकाल कर वो आपका मतलब चेक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपके आगे शरीर का जो मतलब कह सकते हैं सीना होता है, सीना के आगे के जो मतलब हिस्सा रहता है उसका क्या बोला जाता है, एक्सरे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिस अंग का ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे उसका एक्सरे हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। एक्सरे में क्या होता है, कोई धाप धब्बा नहीं रहना चाहिए, पुरान बीमारी नहीं रोना चाहिए, खून में आपकी कोई ऐसी दिक्कतें ना हो, और बहुत ऐसे लोग हैं जो पेशाब भी आपका चेक करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लिया जाए इसके खर्चा के मैक्सिमम कितना पड़ता है। आप अपने इंडिया में की जो इनकम होती है, चाहे 5,000 हो चाहे 10,000 हो, केवल इंडिया का पैसा ये मान के चलिए, अगर इंडिया के अगर 20,000 है, एक बात बता रहे हैं आपको, 20,000 है या चाहे 10,000 है, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ के जान लीजिएगा वहाँ का 100 रुपया इंडिया में 2,000 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ की कंपनी जो भी इंटरव्यू आपकी कराएगी, ठीक है, तो 500, 600 या चाहे 700 वहाँ देती है आपका मेडिकल कराने के लिए, वो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये बातों को ध्यान दे। वह कंपनी सब कुछ लाभ एवं हानि जो भी रहता है वह कंपनी उठाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जान लीजिएगा आपका मेडिकल केवल 3 चीज होता है, खर्चा भी हमने बता दिया कि वहाँ की कंपनी आपको पैसा देगी, खर्चा जो भी हो। ठीक है, यदि आप प्राइवेट कराना चाहते हैं अपने गोरखपुर में, तो 2500 में कहीं हो जाता है, तो कहीं 3,000-5,000 लग जाता है मेडिकल कराने में। ठीक है दोस्तों, और इससे ज़्यादा और आपको गल्फ कंट्री से या चाहे अन्य कंट्री के बारे में कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी कंट्री के बारे में आपको जानना हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आके हमारे कमेंट डाल दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम कभी भी आपको रिप्लाई दे तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मन में कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो मेरी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पर शेयर करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य बातें लेकर, धन्यवाद।